दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विजय से साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था, तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्ना पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गया। वह ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।